आज ही के दिन वर्ष 1959 में आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा तिब्बत से भारत आए थे। चीन के खिलाफ तिब्बत के असफल विद्रोह के बाद दलाई लामा को तिब्बत छोड़ना पड़ा था। 1987 में आज ही के दिन लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट को कहा था अलविदा। गावस्कर ने अपना अंतिम टेस्ट बेंगलुरु में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। आज ही के दिन 1988 में इसरो ने प्रथम प्रचालनात्मक भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IRS-1A का प्रक्षेपण किया था। वर्ष 1990 में आज ही के दिन भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ था। साइना नेहवाल लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। आज ही के दिन वर्ष 1996 में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ICC क्रिकेट विश्व कप खिताब पर जमाया था कब्जा। श्रीलंका के बल्लेबाज अरविंद डिसिल्वा ने फाइनल मुकाबले में नाबाद 124 गेंदों पर 107 रन बनाए थे और गेंदबाजी करते हुए झटके थे।